फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज 20 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य। हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना यानी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। चलिए आपको हरियाणा के बारे में बताते हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हाल ही में बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा जी। फर्स्ट गवर्नर की बात करें धर्मावीरा जी। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है आज का 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी लिखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विमल जालान जी ने। RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। चलिए आपको राजस्थान के बारे में बात है। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री जी। फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें कॉन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के लिए OIL DR गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। मुंबई स्थित फिल्म निर्माता की पहली विशेषता ने उत्सव के विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत 28 डॉक्यूमेंट्री में से बने एक दुर्जय क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं पायल कपाड़िया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा है एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। अमेरिकी सरकार ने विस्तारित आय सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मासिक भुगतान प्रदान करना शुरू कर दिया है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पात्र परिवार 6 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए $300 तक और प्रत्येक बड़े बच्चे के लिए $250 तक का प्रारंभिक मासिक भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको USA के बारे में आते हैं। कैपिटल है Washington DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई है। बात करें नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। पार्लियामेंट ने कांग्रेस।
चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूएसए। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट नोट करा दें आज का। सेकंड डिजिट है आज का 0। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन ने। 18 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन एक रिकॉर्ड 8वीं बार सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैमिल्टन के कैरियर की यह 99वीं जीत थी। इस रेस में लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं पहले नंबर पर, चार्ल्स लेक्लर फरारी के ड्राइवर दूसरे नंबर पर और वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ही ड्राइवर तीसरे नंबर पर रहे हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया देश ने। 5 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के श्रम मंत्रियों ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7वीं ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की है। 5 देशों ने मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ रिकवर करने का संकल्प लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमा नंदा को। अमेरिका में सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में भारतवंशी नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा के नाम की पुष्टि कर दी है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ सीमा नंदा बराक ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सीमा नंदा जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व इमोजी दिवस यानी वर्ल्ड इमोजी डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 17 जुलाई को। विश्व इमोजी दिवस प्रत्येक साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इमोजी डे इमोजीपीडिया के फाउंडर जेरेमी बर्ज ने साल 2014 में शुरू किया था। तब से लेकर अब तक हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के तौर पर मनाया जाता है। इमोजी का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 के दौरान शुरू हुआ था, जब 17 जुलाई 2 के दिन एप्पल ने अपने कैलेंडर ऐप के लिए इमोजी का इस्तेमाल किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संस्थान ने फास्टर नाम से एक नई योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उच्चतम न्यायालय ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक एक नई योजना लॉन्च की है। फास्टर का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। इस योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालय को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। चलिए चलते हैं आपको थर्ड डिजिट नोट करा दें आज का। थर्ड डिजिट है आज का 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। शिखर धवन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने साल 2010 में अपने वनडे कैरियर का आगाज किया था। पिछले 11 सालों में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में खेलते हुए धवन ने 143 मैच की 140 पारियों में 6000 प्लस रन बनाए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शिखर धवन। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश के। बात करें भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड पहला रेल संपर्क है। या बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा। चलिए आपको
नेपाल के बारे में बात है, नेपाल की कैपिटल की बात करें तो काठमांडू, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हाल ही में शेर बहादुर देवबाजी बने जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपालीस रूपी, नेशनल डे 29 मई है, पार्लियामेंट ने नेशनल पंचायत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लावर देख लें आप लोग लाली गुरास, बर्ड है इमानुएल मोलल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नेपाल। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव शुरू होगा। हाल ही में गूगल ने कादम्बिनी गांगुली की 160वें जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया था। इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट को अगस्त 2021 यानी 12 अगस्त 2021 को लॉन्च करेगा। इसरो का आपको वर्तमान चेयरमैन का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हाल ही में द ग्रेट बिग लाइन नामक पुस्तक क्रिसिस नाइट द्वारा लिखा गया है। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज दीपक काबरा जी को बनाया गया है। हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। बात करें सुरेखा सीकरी जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हाल ही में 18 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में पॉल ऑर्नडॉर्फ जो कि पूर्व WWE रेसलर थे, इनका निधन हो गया। बात करें कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था किस राज्य की सरकार ने नई ईवी नीति 2021 लॉन्च की है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर टू था हाल ही में किसने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का किस IIT संस्था ने किफायती COVID-19 परीक्षण किट विकसित किया है। क्वेश्चन टू है आज का हाल ही में किस उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली वीकली मंथली शॉर्ट जी के GST की वीडियोस के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, आज का लास्ट डिजिट है 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।